फाइल वो स्पीकर नहीं चल रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इकबाल, खुश आमदीद कहते हैं, देख रहे हैं शेफ 21, अनवार रमज़ान स्पेशल K21 न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन। कहते हैं ना, बांट के खाओ इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, बांट के खाओ इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबकी जीत हो वो रास्ता अपनाओ। बहुत ज़रूरी जिस तरह की मज़े की चीज़ें हों, जो होना अपनी जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जायकेदार एंड डेफिनेटली टेम्पटिंग। तो आज पहली जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, बहुत ही ख़ास, चिकन कटलेट्स। इसके अलावा मिसेस नाज ने, मिसेस जॉन ने और सूफिया नाज और महक ने कहा, इकबाल वो कौन से फ्रूट्स हैं जो बालों की ग्रोथ में इजाफा करते हैं। तो यकीन कहते हैं कि एप्पल, सेब के अंदर आयरन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो सेब के इंशाल्लाह बर्फी भी बनाने जा रहे हैं। साथ ही यहाँ मौजूद है हमारी रहनुमाई के लिए मशरूब मशरक रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा और कंज्यूमर्स का साथ है 110 सालों का। इफ्तारी के टेबल पे, इफ्तार के टेबल पे यकीनन, जैसे कि कहा, कबाब हों, जूसी हों, भले तिक्के हों, बोटी हों, निहारी हों, फ्रूट्स हों, चाट, सब कुछ हो, लेकिन रूह अफ़ज़ा ना हो तो कुछ कमी सी महसूस होती है। रूह अफ़ज़ा का फ्लेवर एंड नेचुरल है, रिफ़्रेशिंग है एंड एनर्जाइजिंग है। ठीक है जी, तो रूह अफ़ज़ा मौजूद है और सेब की जो बर्फ़ी बनाएंगे, एप्पल बर्फ़ी या एप्पल पुडिंग कहें, उसके अंदर हमने रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल भी करना है और साथ ही गुड़ मिल्क की फ्रेश क्रीम भी ऐड करनी है। कटलेट्स का जब नाम सुनते हैं, कटलेट्स की जब बात होती है, तो लोग ये समझते हैं कि कटलेट्स सिर्फ केबे वाले होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। चिकन के पीसेस के भी कटलेट्स बनते हैं, तो आज आपके इंशाल्लाह यहाँ इस महफिल में शेयर करेंगे। बोनलेस मुर्ग मौजूद है, मुख्तलिफ पीसेस मौजूद हैं, कुछ मीडियम साइज कटे हुए, कुछ इस टाइप के हैं, इसे हम काट लेंगे। रखा और बीच से इस तरह दो कर लीजिए। जिस तरह पसंदे या पारचे काटते हैं उसी टाइप इसे स्लाइस कर लेंगे जी, इसे भी काट लेंगे। और ये जो है मीडियम साइज का बोनलेस, इसे भी काट लेंगे। देखिए ये बहुत ज़्यादा अहम होती है, लोग हमेशा बात करते हैं कि चीज़ ताज़ी हो, चिकन ताज़ा हो, गोश्त ताज़ा हो, फिश ताज़ा हो, ताज़ा हो, लेकिन अगर इसे किसी गर्म जगह पर मौजूद है, एक घंटा भी आप रख लें किसी गर्म जगह पर, तो इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ठंडा रखें, जैसे फ्रिज से हमने निकाला, ठंडा रखें चीज़ों को, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, और गर्म जगह पे ताज़ी चीज़ भी एक घंटा भी रहे तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, ख्याल रखें, और जो ज़रूरी है, और K21 न्यूज़ की भी यही कोशिश है कि इस मुल्क में हेल्दी फूड हो, हेल्दी खाना हो, सेहतमंद चीज़ें हों, जो बहुत बेहतर है। मैरिनेशन की जानिब चलते हैं, इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, तो नमक, लाल मिर्च, ये सभी चीज़ें ऐड करते हैं। और ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा आज इस महफिल के ज़रिए, बजाय आप ये स्पाइसेस या डब्बों में रखे होते हैं, लाल मिर्च, काली मिर्च, बाज़ का 3-3, 4-4, 5-5 महीनों तक रखे होते हैं, ऐसा ना करें। 2 महीने तक रखें, 2 महीने में यूज़ कर लें, उसके बाद दोबारा फिर आप उसे रखें, ठीक है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा उसे रख नहीं सकते, फिर चीज़ों के फ्लेवर, जायका, सब कुछ कम हो जाता है। तो ये चीज़ें अपनी जगह बहुत ज़्यादा अहम है। और एक हमारे इस मुल्क के एक ज़बरदस्त डॉक्टर हैं, डॉक्टर डॉक्टर तहसीन साहब ने भी ये कहा कि ये बहुत ज़्यादा अहमियत की आमिल ये चीज़ है कि सब्जियों की शेल्फ लाइफ जानना ज़रूरी है, फ्रूट्स की, गोश्त की, मसालों की, कितने अरसे तक इसे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चिकन कटलेट्स कर रहे हैं तैयार, तो कटलेट्स के लिए चिकन काट लिया था, अब इसमें हमने स्पाइसेस भी ऐड करने हैं, और यहाँ पे इस फ्राइंग पैन के अंदर ऑयल ऐड करने जा रहे हैं जी, ठीक है जी। फ्राइंग पैन के अंदर ऑयल भी ऐड करेंगे, ब्रेड क्रम्स इसकी कोटिंग करेंगे, साथ ही सेब की यानी कि एप्पल बर्फी बनानी है। तो बोनलेस चिकन में अदरक लहसुन पिसा हुआ 2 चम्मच शामिल किया। अब अदरक लहसुन के बाद सबसे पहले वही अज्जा हुआ जहां से जायके का आगाज, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कूटी हुई आधा चम्मच,
नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च और सफ़ेद मिर्च ऐड किया और से मिक्सड वेल, ताकि अच्छे से इन सभी चीज़ों का जायका इसके अंदर रचे। अब ठीक है, साथ इसमें मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्स भी अप्लाई करने कुछ ही देर में, ठीक है, जो रखिएगा। और चाहें तो आप कॉल भी कर सकते हैं, कॉलिंग के ज़रिए आप शो का हिस्सा बनेंगे, आपकी पार्टिसिपेशन का सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा। ठीक है जी, तो इस बात का अपनी जगह कॉल्स भी कुछ ही देर मिलेंगे, मैरिनेट करके रखना है। उसके बाद इसमें हमने ब्रेड क्रम्स, अंडा अप्लाई करना है, कोटिंग करनी है, फिर फ्राइंग की जानिब जाना है। पर ये कोशिश ज़रूर करें कि एटलीस्ट जैसे आप 1 आवर तक या 30 मिनट तक रखें ज़रूर। इससे होगा ये कि ये जो ऐड की ना, देखें ना आप, लाल मिर्च, काली मिर्च, अदरक, लहसुन, सब चीज़ों का जायका इसके अंदर तक रचेगा। तो इससे होगा ये कि इसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा भी होगा और स्ट्रॉन्ग भी होगा। साथ ही इसके एक अदद अंडा ऐड करते हैं। अंडा बाइंडिंग के लिए बाइंडिंग एजेंट है, सब चीज़ों को बाइंड करेगा। एक अदद अंडा, इसे भी फ्रिज में रखा जाए तो बेहतर होता है। ठीक है, अंडा ऐड किया और साथ ही इसमें वाइट फ्लावर, मैदा भी ऐड करना है और इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ब्रेड क्रम तैयार है, कर रहे हैं तैयारी, तो सिलसिला है बिल्कुल जारी। ठीक है दोस्तों, कटलेट्स के लिए यहाँ तक पहुँचे। साथ इसमें फ्लावर ऐड करेंगे, मैदा और ब्रेड क्रम्स इसकी करनी है अच्छी तरह से, कोटिंग भी। और कुछ ही देर में इसकी फ्राइंग की जानिब जाना है, तो फ्राइंग पैन में भी तैयारी कर रहे हैं। एप्पल की बर्फी बनानी है। ठीक है जी, तो सिलसिला जारी। एक मुख्तसर सा इजाज़त लेंगे एक वक्फे की, बहुत छोटा ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो कटलेट्स भी बनाएंगे, साथ ही सेब की बर्फी बनाने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त, आई वुड लाइक यू टू ऑल सब आप ट्राई करें और बताएं कि कितनी मज़ेदार बनी। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, ज़्यादा कॉल्स नहीं ले पा रहे, बट थैंक्स टू एवरीवन। लेट्स टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कम बैक टू अवर शो वन मोर टाइम। खुशामदीद, रोज़ेदारों के लिए कर रहे हैं तैयार चिकन कटलेट्स, जो सहर और अफ्तार दोनों में आप ट्राई कर सकते हैं। बोनलेस चिकन के अंदर अदरक लहसुन ऐड किया, नमक शामिल किया, ये देखिए स्पाइसेस, नमक ऐड किया, पिसी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च कूटी हुई और सफ़ेद मिर्च शामिल करने के बाद अच्छे से किया मिक्स। एक अदद अंडा शामिल किया, साथ ही ऐड करते हैं वाइट फ्लावर, मैदा, इसी के अंदर ऐड करने के बाद इसे कीजिए अच्छे से मिक्स, मिक्सड वेल। ठीक है जी, कटलेट्स बना रहे हैं और ये वो रेसिपीज़ हैं जो थ्रू आउट दी वर्ल्ड बनती हैं, दुनिया भर में बनती हैं। चाहें तो इसमें मस्टर्ड पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। बाकी दीगर चैनल्स पर जो हमने रेसिपी शेयर की उसमें हमने मस्टर्ड ऐड किया था, लेकिन यहाँ हम चाह रहे थे कि आपको एक वो तरीका भी शेयर करें कि हर घर में, हर गांव देहात, यू नो, जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, इजीली आप बना सकें। उसके बाद एक एक करके ये उठाएंगे और इसकी करनी है यहाँ पे कोटिंग, ब्रेड क्रम्स के ऊपर क्रम्स पे इस तरह कोटिंग करनी है और ऑयल के अंदर इसे फ्राई करते हैं। मीडियम आंच पे नॉर्मल ऑयल रखिएगा ताकि अच्छे से कलर भी आ जाए और इसका जायका, टेक्सचर सब कुछ वैसा ही हो जैसा आज हम बनाना चाह रहे हैं। हल्का से दबाइएगा, प्रेस कीजिएगा ताकि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाए। फिर ऑयल के हवाले, ठीक है जी, तो ये चीज़ें अपनी जगह बहुत ज़रूरी हैं। और मिसेस मामा का सवाल था कि कितनी मरतबा ऑयल को यूज़ किया जा सकता है। वंस ऑयल काला हो जाए, डार्क हो जाए या झाग आने लगे उसके बाद यूज़ ना कीजिएगा। मौजूद हैं कॉल पे मेहमान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी ठीक ठाक। हुमा बात कर रही हैं? जी जी हुमा बात कर रही हूँ। जी हुमा कैसी हैं आप? खरीद है? हेलो। आप सबको भी अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे। ये हुमा, ये स्टूडियो में आवाज क्यों कम आ रही है? कोई हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम है या आपकी तरफ से प्रॉब्लम है? पता नहीं, ये तो मैंने, मुझे नहीं पता कि आप हमारी तरफ से या आपकी तरफ से बाहर। चले, बहरहाल मकसूद गुफ्तगु ये कि हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ वाजे है। और क्या कहेंगे आप? जी 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 क्या कहा? रमजान में बंदे, रमजान में बेटे की इतनी फरमाइश नहीं होती थी, उनसे वो थोड़ा जरा कम। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या ईद की तैयारी हुई कोई आपकी उमा? जी 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 बस हो गई, क्योंकि कोरोना की वजह से इतनी तो नहीं। बाहर ये है कि मैं इकबाल साहब, ये है कि अपनी मेरी भांजियां हैं, मेरी सिस्टर है, मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन ये है कि मैं सबको गिफ्ट देके खुश होती हूँ। माशाल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये चीज़ें हमारे पाकिस्तान की ख्वातीन की कि वो घर, फैमिली और सभी को बहुत खूबसूरती से माशाल्लाह मैनेज करती हैं। पहले मेरी वालदा थी ना, तो सबको देती, मेरी बहन भी सबको, तो अब ये है कि अम्मी की। अच्छा अच्छा। मैं सबको दीदी, मैं सबको देती। और दूसरे ये है कि एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये कि मतलब जो आपकी और आपकी टीम को देखने वालों से, मेरी एक बेहतरीन फ्रेंड है, मतलब बेस्ट ऑफ, तो उसने मुझे कॉल की थी। क्या है? बहुत बीमार, उसके हस्बैंड बहुत बीमार है, तो आप किनके किनके हस्बैंड? मेरी मतलब है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा 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 अच्छा। तो वो आउट ऑफ सिटी है, वो पूरे वाला में है, तो हस्बैंड बहुत बीमार है, तो उससे मैंने दरख्वास्त की थी, तो होंगी, मैंने कहा चलो मैं आपसे भी कहती हूँ। जी जी बिल्कुल, हम दुआ करते हैं उनके लिए भी, और दुनिया में जो जहाँ कहीं बीमार है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और बस यही है, अल्लाह ताला सबको, ये तो बीमारी से हमारी जान छुड़ा अल्लाह ताला, और आमीन है कि हम सबको महफूज रखे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया हुमा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, शादो आबाद रहें, और यहाँ भी हमारे और आपके, हम सभी के जी कटलेट्स हो रहे हैं तैयार माशाल्लाह। जैसे ही यू नो कलर आया, दोनों जानब से ब्राउन हुआ, एक जानब से ब्राउन हुआ, से टर्न ओवर कीजिए। इसी तरह फिश भी बना सकते हैं, और इसका अपना ही मज़ा। बाकी हम इंशाल्लाह ये फ्राई करते रहेंगे, साथ ही एप्पल की, सेब की बर्फी भी बनाने जा रहे हैं जी। ठीक है जी, तो इसकी पहले प्रेजेंटेशन की तैयारी। तो प्रेजेंटेशन के लिए जनाब यहाँ पे सलाद पत्ता मौजूद है, इसके सर बिल्कुल बीच में आपने इस तरह से सलाद पत्ता रखा। ठीक है जी, कैचअप यहाँ रख लेते हैं, और ये कटलेट्स जो हमारे होते जा रहे हैं तैयार। जैसे ये ब्राउन हो, खुशबू बहुत ही आला, क्रिस्पी है और अंदर जूसी भी है, डिसेम टाइम इस तरह रखेंगे। ठीक है दोस्तों, साथ ही ये दूसरा, माशाल्लाह दोस्तों, फाइव स्टार होटल्स में एक दो पीस का बाजू का तो ऑर्डर होता है जो 1100 रुपए का, तो ये यू नो 3000 का खाना है, अगर सब बन जाए तो 4000 का फूड है, जो आप कम बजट में अपने घर के किचन में अपनों के लिए कर सकते हैं तैयार। और क्या ही बात है जी, रोज़ेदार जो रोज़ा रखते हैं वो ये भी चाहते हैं कि ख्वाहिश होती है उनको के मज़े का हेल्दी फूड हो, तो बस ये ज़रूरी भी है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि तहकीक ये बताती है, बल्कि दीन इस्लाम से भी हमें यही पैगाम मिलता है कि अपनी और अपने प्यारों की सेहत का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। तो इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट वे ये भी है कि हेल्दी खाना ज़रूर खाएँ, जो ज़रूरी है, ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जहाँ के लोग इतना हेल्दी फूड इंजॉय नहीं करते, जहाँ का फूड इतना हेल्दी नहीं है। हमारे ऑल्दो नानी दादियों के ज़माने में था, लेकिन अब नहीं है।
ठीक है जी। तो ये अपनी जगह बहुत अहम चीज़ है, इसे फ्राई करके निकाल लें। दूसरा पीस और ये लास्ट, तो दोस्तों ही देखिए जबरदस्त माशाल्लाह कटलेट्स हो चुके हैं तैयार। अब टाइम हमारे पास कम है, ठीक है जी। लोग कहते हैं वक्त वक्त गुजर जाता है, जावेद अख्तर साहब ने लिखा कि वक्त नहीं गुजरता, हम गुजर जाते हैं, लोग गुजर जाते हैं, हमसे पहले भी और हम भी, ठीक है जी। अब सेब की बर्फी बनाएंगे इंशाल्लाह, उसके प्रोसेस की जानिब चलते हैं। कटिंग बोर्ड को टर्न ओवर किया, बाकी चीज़ों को रिमूव कर लेंगे। सेब की बर्फी एप्पल, बहुत सी ख्वातीन मुझसे कंटिन्यूसली पूछती रही यहाँ भी, दीगर चैनल्स पे भी, इंटरनेट पे, रेडियो की दुनिया में, कि कौन से फूड्स क्या चीज़ें जो सेहत के लिए अच्छी हैं। तो आई थिंक कहते हैं सेब एक ज़रूर खाएं, इसके अंदर आयरन काफ़ी मकदार में होता है जो बालों की ग्रोथ में भी इजाफा करे। इसी तरह मर्दों के लिए भी और ख्वातीन दोनों के लिए सेब काट रहे हैं इस तरह से, ठीक है जी। इस तरह काटने के बाद इस तरह सिर्फ इस तरह किया और उसके बाद ये चॉप कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह पहले जूलियन और फिर ये चॉप कर लेंगे। दोस्तों इंसान की सब ये ताकतें होती हैं, बाज़ुकात बोलना, बाज़ुकात काम करना, बाज़ुकात खामोश रहना, तो ये भी अपनी जगह बहुत ज़रूरी होता है। और हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे बदर साहब से कि प्लीज़ खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि बाज़ुकात बेहतरी होती है इसमें हमारी, जो है ना कि बेहतर तो है दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें बेदिल लगी चले। जूलियन इस तरह चॉप कर रहे हैं जी, और टाइम इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये तो बनाना है। इस तरह चॉप कर लीजिएगा, ठीक है जी। एक और एप्पल, एक और सेब, लास्ट 7-8 मिनट बाकी हैं, लेकिन शो के सबसे अहम, क्योंकि कटलेट्स तैयार हो चुके हैं रोजेदारों के लिए, सेब की बर्फी बना रहे हैं जी, यकीनन अच्छी बनेगी, यकीनन जायकेदार बनेगी। तो आई वुड लाइक यू टू ऑल कि सब ट्राई करें और हमें ज़रूर बताइए कि कैसे तैयार हुई। ठीक है जी, और साथ ही इसमें रूह अफजा भी ऐड करना है, मशरूब मशरक रूह अफजा, रूह अफजा और कंज्यूमर्स का साथ है माशाल्लाह, कोई 110 सालों का, और दुनिया के 35 से ज़ायद ममालिक में रूह अफजा पी जाती है, पसंद की जाती है। रेड एप्पल है, एक ग्रीन सेब होते हैं जिसे कुकिंग एप्पल कहा जाता है, तो हम कहेंगे नॉर्मल एप्पल इसमें ऐड कीजिएगा, ठीक है जी। बाकी एप्पल की इंशाल्लाह हम डेजर्ट बनाएंगे, सेब की बर्फी के लिए एप्पल की सबसे पहले घी ऐड करते हैं, देसी घी ऐड कीजिएगा, ठीक है जी। जैसे कि हम ऐड करें देसी घी शामिल करना है, ठीक है जी। देसी घी शामिल किया और देसी घी के साथ ही सेब जो हमने चॉप करके रखे हैं, ये सी हमारे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बदर साहब के कैमरे की नज़र से, घी के साथ इसमें एप्पल ऐड कर रहे हैं। सेब की भुनाई हो रही है, साथ ही शामिल करते हैं चीनी लगभग 3 चम्मच, याद रहे कि मशरूब मशरक
रूह अफ़ज़ा ऐड करना, उसमें भी चीनी की मिकदार होती है, ठीक है, उसमें भी होती है, तो बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी। चूल्हा तेज़ रखिएगा, बल्कि से यहाँ ले आते हैं, क्या ख्याल है आपका? ये चूल्हा ज़रा तेज़ है, वक्त हमारे पास कम है। रोज़ेदारों के लिए एक ज़बरदस्त शाही मीठा बना रहे हैं, सेब की बर्फ़ी, तो अच्छे से बनाई भी कीजिए, एट द सेम टाइम यू नो ऐसा लाइक मैश कीजिएगा, क्योंकि सेब यहाँ पे ख़त्म करना है, डिज़ोल्व करना है। और जब आप देसी घी में बना रहे हो, इसका अपना एक मज़ा होता है, फ्लेवर होता है, टेक्सचर होता है, ठीक है जी। चिकन कटलेट्स तैयार हैं, सेब की बर्फी भी बनती जा रही है, सिलसिला जारी है, और इबादतों का सिलसिला जारी है जी, नमाज़ों का, रोज़ों का, सब्र का। तो बस अल्लाह ताला हम सबको अपने मकसद में कामयाब फरमाए, ठीक है जी। ये देखिए, इसमें आपको शीरा नज़र आएगा, ये सब चीनी का था। साथ ही इसके नारियल ऐड करते हैं पिसा हुआ, नारियल के भी बहुत फ़ायदे हैं जी। जो प्लाज्मा यूज़ होता है बालों की ग्रोथ के लिए, PRP लोग करवाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये नारियल का पानी होता है जो, वो भी उतना ही इफ़ेक्टिव है बालों के लिए भी, ठीक है जी। तो इसका यूज़ करना भी चाहिए, एंड साथ ही मेटाबॉलिज्म हाजमे को बहुत बेहतर बनाए। नारियल भी ऐड करने के बाद से मज़ीद करें मिक्स, बल्कि सब नारियल ऐड करें। सेब की बर्फी बनाने के लिए पहले देसी घी, उसके बाद सेब शामिल किए, चीनी ऐड की और ये नारियल ऐड किया। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखें कुछ ही देर में बाइंडिंग हो चुकी है। अब इतनी भुनाई करनी है कि ये एप्पल, नारियल सब चीज़ें डिसॉल्व हो जाएं, और जब देसी घी के अंदर करें उसका अपना ही मज़ा। लेकिन जिन लोगों को टेस्ट डेवलप नहीं हुआ देसी घी, तो नॉर्मल घी भी ऐड कर सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि गुड मिल्क की फ्रेश क्रीम इसके अंदर हमने शामिल करनी है। तो यहाँ सिलसिला बिल्कुल जारी, जिस सेब की बर्फी बना रहे हैं, साथ ही कटलेट्स। एक और चीज़ जो हमने बात की, जो हमने जो शो का आगाज़ किया K21 न्यूज़ के ज़रिए, हमारा मकसद ये भी था कि मुल्क में ना सिर्फ हेल्दी फूड, जायकेदार खाना या शो, बल्कि सेहत की बात की। तो इसकी जितनी अंदर जितनी चीज़ें हैं, सेब के फ़ायदे, नारियल ऐड किया, नारियल के अंदर फ़ायदे, ठीक है ना, चीनी से कार्बोहाइड्रेट होता है, किसी के लिए ज़रूरी हो सकती है, किसी के लिए ना हो, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। डाइट वाले बेशक शामिल ना करें, बादाम ऐड करिए, उसके अंदर फ़ायदे। तो सिंपली वो चीज़ें हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं, जो इंतहाई ज़रूरी है जी। अब देखें बाइंडिंग होती जा रही है माशाल्लाह, कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहिएगा, जो बहुत ज़रूरी है जी। लास्ट 2 मिनट बाकी हैं, तो ऐड करते हैं इसके अंदर गुड मिल्क की फ्रेश क्रीम। गुड मिल्क यकीनन दूध या क्रीम होनी अच्छी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का हो, ये ऐड करना है। अच्छा, जो हमने बात की सेब के फ़ायदे, नारियल के, और क्रीम में ज़ाहिर प्रोटीन होता है, तो ये भी अच्छा ही है। 2 चम्मच हमने गुड मिल्क की क्रीम ऐड की। चलते हैं प्रेजेंटेशन की टाइम जानिब, क्योंकि वक्त यकीनन दे नहीं रहा इजाज़त। लेकिन दोनों चीज़ें हमने तैयार की, फेसबुक पर Chef21 या मुझे तलाश कर सकते हैं बाल शाह के नाम से, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, कहीं भी, ठीक है जी। तो थैंक यू एवरीवन, माशाल्लाह। ये देखें जी, सेब की बर्फी, सुभान अल्लाह, ये देखें, ठीक है जी, सेब की बर्फी, चिकन कटलेट्स, दोनों चीज़ें हो चुकी हैं तैयार। और आखिर में आलमंड्स तो ऐड करने ही हैं, लेकिन साथ ही मशरूब मशरिक रूह अफ़ज़ा भी ऐड करते हैं ऑन द टॉप ऑफ सेब की बर्फी। हल्का सा देखें, लेते हैं आपसे इजाज़त, खुश रहें, शादो आबाद रहें।
कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कटलेट्स, सेब की बर्फी हो चुकी है तैयार। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, हयात लेकर चलो चाहे कायनात, चलो तो जमाने को साथ लेकर चलो। खुदा हाफिज़।